नमस्ते, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिन अंडे का चॉकलेट केक, जो बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही आसान तरीका है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले कटोरी में 2 से 3 चम्मच आप घी या तेल डाल सकते हैं। मैंने घी इस्तेमाल किया है, देखिए 2 चम्मच 3 चम्मच घी लिए हैं। 1/2 कप चीनी है पीसा हुआ है, इसको भी मिला देते हैं इसमें। और 1/2 कप मैंने दही लिया है, देखिए नॉर्मल दही है, लेकिन तुरंत फ्रिज से निकाल के नहीं लें, थोड़ा देर फ्रिज से इसको निकाल कर बाहर रखें और इसका दही का जो पानी है उसको निकाल दें। कुछ देरी छलनी में रख कर दही ले लिए हैं, देखिए इसमें पानी नहीं है दही में। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करते हैं। दही को ये पूरा फेंट लें ताकि इसमें गुलठियाँ ना रहे दही में। देखिए मैंने मिक्स कर लिया है, देखिए कहीं भी इसमें दही का गुलठियाँ नहीं है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 कप मैदा है, 1 कप मैदा लिए हैं और 2 चम्मच कोकोआ पाउडर लिए हैं, देखिए 1 चम्मच और ये 2 चम्मच। अब इसको बढ़िया से छान लेते हैं। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करिएगा तो एक ही साइड से मिक्स करिएगा इसको, इन्हें ऐसे कर रहे हैं तो इधर से ऐसा नहीं, इसको एक ही तरफ से ऐसे मिक्स करें। देखिए ऐसा है, इसमें हल्का हल्का मैं पानी नहीं मिलाऊंगी, दूध मिलाना है। देखिए मैंने 1 कप दूध लिया है, देखते हैं कितना लगता है। अब कम ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़े थोड़े करके इसको मिलाएं। देखिए ऐसा बैटर होना चाहिए, अब देख रहे हैं ना स्मूथ है। ऐसे करने के बाद तुरंत गिर जा रहा है, देखिए देखिए इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर मैंने नहीं डाला है। और देखिए इसमें मैं इनो डाल रही हूँ, देखिए इनो है, इसको मैं एक पूरा डाल देती हूँ। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे इनो के जगह पर मैं दूध डाल देती हूँ ताकि ये एक्टिव हो जाए। और इसको 1 से 2 मिनट मिक्स कर लें। देखिए मैंने एक ऐसा कढ़ाही लिया है, एक ऐसा स्टैंड देख रहे हैं स्टैंड है, कि आपके पास जैसा भी एक स्टैंड है इसको रख ले। और इसको मैं प्री हीट करूँगी 5 मिनट पहले, देखिए इसको मैं गैस पर इसको 5 मिनट पहले प्री हीट कर ले। इसी में मैं केक बनाने वाली हूँ। एक बटर पेपर है, इसको ऐसे एक बार फोल्ड कर लें, फिर दूसरा बार फोल्ड कर लें और मैं इसको ऐसे करके यहाँ बीच से इसको नापूँगी, देखिए ऐसे, और इसको फिर मैं गोल काटूंगी। देखिए मैंने गोल काट लिया है, अब इसको ऐसे। देखिए मैंने एक केक ट्रे में इसमें बटर पेपर लगा के हल्का सा घी से ग्रीस कर दिया है। अब मैं इसमें बैटर डाल देती हूँ, ये जो मैंने बनाई है, देखिए ऐसा, देखिए इसमें पूरा बैटर मैंने डाल दिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा चॉकलेट केक का बैटर तैयार हो गया है। देखिए इसको हल्का सा ऐसे ऐसे कर दें ताकि चारों तरफ से सेट हो जाए। अब आप किसी अपने पसंद ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं, मैं इन्हें काजू से ड्राई फ्रूट कर रही हूँ। देखिए मैंने काजू से गार्निश कर लिया है। अब मैं इसको जो प्री हीट किए थे, जो कड़ा हीट हो गया है, अब इसको मैं एकदम गैस को मैं 1 मिनट के लिए मीडियम में रहने दूंगी, 1 मिनट के लिए। और फिर उसके बाद 1 मिनट हो जाएगा तो मैं गैस को पूरा मीडियम कर दूंगी और इसको 40 से 45 मिनट तक छोड़ दूंगी इसी तरह। देखिए 1 मिनट मीडियम की हूँ इसलिए ताकि ये बर्तन भी थोड़ा गर्म हो जाए। फिर जब 1 मिनट हो जाएगा तब मैं गैस को लो कर दूंगी और 40 से 45 मिनट तक इसको खोलूंगी नहीं। देखिए 40 मिनट हो चुका है, अब मैं इसको चेक करती हूँ कैसा, इसकी मदद से मैं चेक कर रही हूँ, देख रहे हैं। वाओ, बहुत अच्छा तैयार हो गया है, देख सकते हैं कहीं भी इसमें नहीं चिपक रहा है। तो समझिए चॉकलेट केक तैयार हो गया है। तो मैं गैस को अब बंद कर देती हूँ, निकालूंगी, ये ठंडा हो गया है, मैं इसको अब निकाल लेती हूँ ऐसे। वाओ,
वाह बहुत अच्छा तैयार हो गया है, बहुत ही सॉफ्ट। देख सकते हैं कितना ही सॉफ्ट, कितना ये देखिए कितना सॉफ्ट केक तैयार हो गया है। ये देख सकते हैं आप, ऐसे चॉकलेट सिरप है, इसे मैं गार्निश कर देती हूँ। देख सकते हैं देखिए, कट करके मैं दिखाती हूँ, इतना ही सॉफ्ट है ना, बहुत ही जल्दी बहुत ही कम सामान में तैयार हो गया है। कितना इसका लेयर देख सकते हैं, देखिए एकदम कितना ही एकदम चार, देखिए कितना ही सॉफ्ट है। मैंने काजू डाला था, देखिए कितना ही सॉफ्ट तैयार हो गया है। चॉकलेट केक है, बच्चों को बहुत पसंद आता है, आप इसे घर पर इजली बना सकते हैं। कितना ही जल्दी तैयार हो गया, कितना ही कम सामान में तैयार हुआ है घर का केक। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।